मैं संदीप तिवारी एक बार फिर सभी आप सभी का आपके चैनल टारगेट विथालो के स्वागत करता हूं। मैथ्स की क्लास एडवांस मैथमेटिक्स की हम लोग यहां पे लगातार 12 बजे से करते रहे, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम का फ्लैक्चुएशन था जिसकी वजह से क्लासेस आपकी कभी ऊपर कभी नीचे होती थी। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे फिर से पुराने ही पार्ट को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। पुरानी टाइमिंग के आधार पर ही क्लासेस आपकी उसी समय पर दी जाएंगी जैसे पहले दी जाती रही हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम 3D का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 3 डायमेंशनल फिगर में भी आप लोगों ने जो है घनाभ पढ़ा था, घन पढ़ा था, हमने आपको सिलेंडर भी पढ़ाया था, हमने आपको कोन भी पढ़ाया था। तो सिलेंडर और कोन के बाद हमने उस पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको सॉल्व करवाई। आज हम आपको उसी के आगे का नया फिगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कोन का मैंने फ्रस्टम भी आपसे डिस्कस किया था, आज हम स्फीयर आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब गोला। अब आप इसके इंपॉर्टेंस इतना समझ लीजिएगा कि यह लगातार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला फिगर होता है। इस फिगर का एक प्रश्न पूछा जाता है अलग से, या कभी कभार इस फिगर को अलग अलग फिगर्स में मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कभी इसको शंकु के साथ मिला दिया जाता है या सिलेंडर के साथ मिला दिया जाता है, तो लगातार कंबाइंड प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो फिगर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, फिगर को समझना बहुत ही गहराई से बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए इस फिगर के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने जाएंगे। तो फिगर हमारा स्फीयर है, स्फीयर को हिंदी में हम गोला कहते हैं। बड़ा लोग को कन्फ्यूजन होता है कि गोला क्या है, और गोला को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। फार्मूले तो हम तैयार कर लेंगे और सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पे गोले को समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे गोले को थोड़ा सीखते हैं और समझते हैं क्या होता है। एक वर्ड का डिस्कशन हम लोग आपस में करते हैं कि एक वर्ड होता है आपने सुना होगा कि वृत्त, सर्कल, और एक होता है आपका स्फीयर या गोला। मतलब हम जब कभी पूछते हैं कि आप लोगों से कि गोले और वृत्त में क्या अंतर है, तो आप लोगों में से बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों को आता है कि गोले वृत्त में भी डिफरेंस है, और रियलिटी में डिफरेंस है। गोला सबसे पहली चीज तो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जबकि जो वृत्त होता है वो प्लेन सरफेस है, मतलब वो एक सतह है और उस सतह पर उस गोले को रखा गया है। आप ऐसे समझना है तो इस तरह समझिए, जैसे एक हमारे पास एक मैदान हो, एक फुटबॉल का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, उस मैदान पर फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल रख दी जाए, तो जो मैदान है वो आपका वृत्त, अगर हम उसको सर्कुलर लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं तो क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है सर्कुलर कंसिडर किया जाता है। उस वृत्ताकार मैदान में अगर ये वृत्त है आपके पास, एक क्रिकेट का मैदान है और ये बाउंड्री इसकी बनी हुई है, तो यहाँ पे एक बॉल रखी गई है। अब इस बॉल को, अब हम थोड़ा सा पहले तो फिगर यहाँ पे प्रॉपर प्लॉट नहीं कर पा रहे, फिगर हम अच्छे से करके दिखाएंगे, तो ये बॉल ही आपकी क्या है, गोला है। मतलब इस मैदान में एक बॉल रखी गई है जिस बॉल को हम गोला कह रहे हैं, और इस पूरे मैदान को हम एक वृत्ताकार मैदान या सर्कुलर सर्फेस कह रहे हैं। मतलब एक सर्कुलर वृत्ताकार मैदान में किसी एक सर्फेस को, किसी एक बैलू को, किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जा रहा है जो 3 डायमेंशनल है, वो आपका गोला है, जो क्रिकेट की बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, हॉकी की बॉल हो सकती है, इस तरह की बॉल ही आपका गोला है। ज्यादातर जो गोले का प्रयोग किया जाता है, वो गोला दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। दो तरह के गोला का प्रयोग किया जाता है, एक तो आपका गोला होता है सॉलिड, एक गोला आपका सॉलिड होता है जिसको हम ठोस कहते हैं, एक आपका होता है होलो, होलो मतलब आपका खोखला होता है। मतलब दो प्रकार के गोले हम लोग बेसिक तौर पर प्रयोग में लाते हैं, एक आपको ठोस गोला पढ़ना होता है, दूसरा आपको खोखला गोला पढ़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ठोस क्या है और खोखला क्या है। तो ठोस ऐसा है जिसके अंदर पूरी तरह से मटेरियल भरा पड़ा होता है। सबसे पहले यहाँ पे गोले का एक फिगर हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको कि गोला इस प्रकार से है। एक हम ऐसे जनरल वृत्त कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बाल की आकृति दे दें, एक गेंद की आकृति दे दें, तो आपको चीजें समझ में आ जाए कि ये गोला है। अब आप देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि गोला है, इसको हम कह सकते हैं कि गोला, एक सेकेंड, देखिए एक वृत्त हम लोग इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं, और हम वृत्त नहीं कहते, हम इसको पूरा आपको डिक्टेट करते हैं कि एक्चुअली क्या है, किस तरह से फिगर बनता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका, जैसे अगर हमने एक सर्कुलर सरफेस को कंसीडर किया, वैसे फिलहाल इसको जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि एक अर्धवृत्ताकार सतह को लिया, उसको इस तरह से हमने जब घुमाया तो हमें एक गोला प्राप्त हुआ, एक हमारे पास स्फीयर प्राप्त हुआ। तो उसका भी अपना एक सेंटर होगा, सेंटर से सतह की दूरी को ही तो हम त्रिज्या कहते हैं, मतलब इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी। जैसे ही हमने यहाँ पे सर्फेस को एक इस टाइप से शेप दे दिया, मतलब इस टाइप से शेप दे दिया जो उसकी अपनी कोई एक आधार सतह नहीं होती, जब आप बॉल को, गेंद को आप जो है मैदान में रखते हैं, तो आप एक बहुत बड़े प्लेन फिगर को मैदान में नहीं रखते, एक छोटा सा कर्विकल फिगर होता है, सरफेस होता है जो मैदान के कुछ पार्ट को टच किया रहता है, इसलिए इसके पूरी तरह से सतह के क्षेत्रफल को रोटिस नहीं किया जाता है। मतलब अगर गेंद हम रखते हैं तो गेंद का अधिकतर भाग मैदान के ऊपर होता है, थोड़ा सा भाग आपका सपोर्ट के लिए मैदान पे पड़ा होता है, वो उसकी छोटी सी सतह कहलाती है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी वो सतह आपकी वेरिएबल होती रहती है, जब गेंद घूमती है तो थोड़ी देर के बाद सतह बदल जाती है, एक माइनर सा सरफेस आपका रहता है जो गेंद मैदान पे पड़ी होती है, मतलब वो सतह को नोटिस करती है। तो अगर इसका अपना सेंटर है और सेंटर से रेडियस
आपकी वह पॉइंट होगी जो कि यहाँ पे जा करके उस सतह को छू रही है, मतलब यहाँ पे टच कर रही है, तो उसको हम त्रिज्या कहेंगे। रियलाइज करिए गेंद है बड़ी सी और गेंद के अंदर आप घुस जाइए और उसके सेंटर को नोटिस करिए, सेंटर से जाके बाउंड्री को टच करा दीजिए, तो चाहे जहाँ टच करा दीजिए तो वही उसकी त्रिज्या कहलाई। क्योंकि आपको पता है कि जब सेंटर पे रहेंगे तो चाहे जहां बाउंड्री को टच करेंगे तो वहां पे ऊंचाई का कोई कांसेप्ट नहीं बन के आ रहा है, मतलब जहां पे भी लाइन छू के आ रही है सबकी सब उसकी त्रिज्या कहला रही है। तो यहां पे त्रिज्या और ऊंचाई सबकी सब समान होती है। अगर आप बीच में गोले के रहिए या गेंद के रहिए और वहां से रह करके आप सेंटर को छूइए और सर्फेसिस को छूइए तो हर जगह की लेंथ को सेम कहा जाएगा और सबकी सब आपकी त्रिज्याएं होगी। ये आपका गोला बना। अब इस गोले को हम दो प्रकार से नोटिस कर रहे थे, मैंने कहा एक ठोस हुआ एक आपका खोखला हुआ। ठोस कैसे रियलाइज करेंगे और खोखला कैसे रियलाइज करेंगे समझिएगा। एक ऐसा गोला जिसमें जो मटेरियल हो जिससे वो बनाया गया हो वो पूरी तरह से फिल्ड हो, मतलब वो पूरा तरह से मटेरियल इन्वॉल्व करके उस फिगर को बनाया गया हो, तो आपका ठोस है, मतलब पूरी तरह से मटेरियल उसके अंदर डाला गया है। जैसे लेदर की बाल, आप लेदर की बाल देखिएगा तो जो लेदर की गेंद होती है जब आप क्रिकेट खेलते होंगे तो लेदर बाल जो होती है वो आपकी क्या होती है, ठोस गोला होती है। आप लेदर में देखते हैं कि पूरी तरह से बॉल के अंदर मटेरियल फिल्ड रहता है, बड़ी सॉलिड रहती है, बड़ी मजबूत रहती है, उसमें काफी कुछ मटेरियल पूरी तरह से अंदर के अंदर भरा रहता है। उस बॉल को हम लेदर की बॉल को ठोस गोला या हम सॉलिड स्पीयर कह सकते हैं। जबकि अगर हम कैनवस की बाल देखते हैं तो कैनवस की बाल में आप अगर कभी काट के देखिए तो आपको बीच में गैप रहेगा, मतलब स्पेस रहता है, उस कैनवस की बाल को हम लोग यहाँ पे खोखला गोला कह सकते हैं या फुटबॉल को हम लोग जो है खोखला गोला कह सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो है बीच में काफी स्पेस होता है, काफी नहीं बहुत बड़ा स्पेस होता है जहाँ पे कोई चीज पानी हवा या कुछ चीजें फिल्ड करी जा सकती रखी जा सकती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैनवस बॉल कहते हैं या हम लोग यहाँ पे जनरली खोखला गोला उसको हम कहते हैं। खोखले गोले के अंदर की भी चीजें यहाँ पे हम रियलाइज कर सकते हैं, जबकि ठोस गोले के अंदर की चीजों को हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक तो आपको कंप्लीट गोला पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा गोला पढ़ना होगा, चाहे ठोस पढ़ेंगे चाहे आप जो है खोखला पढ़ेंगे, और साथ साथ यहाँ पे अर्ध गोला भी पढ़ना होगा आप लोग को, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पे हेमिस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे हम इसको हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको हम लोग जनरल स्पीयर कहेंगे, चाहे ठोस है चाहे वो आपका खोखला है। अगर इसकी भी बात की जाए तो दो प्रकार का ये भी बनकर आएगा, दो प्रकार में यहाँ पे भी एक स्पीयर बनकर आएगा, ये भले खोखला है लेकिन है तो गोला ही, तो यहाँ पे गोला बनेगा, साथ साथ यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल सेल बनेगा, मतलब अर्धगोलीय कोष बनेगा, हेमिस्फेरिकल सेल बनेगा, मतलब इतनी चीजें आपको पढ़नी है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से गोले को नोटिस किया गया, सबसे पहले सॉलिड फिर आपका खोखला। सॉलिड मतलब लेदर बाल, कैनवस बाल आपका क्या हो गया, खोखला हो गया। दो प्रकार से इसको पढ़ना होगा, मतलब पूरे गोले को नोटिस करना होगा, साथ साथ अर्ध गोले को पढ़ना होगा, इसमें भी कैनवस में भी पूरे गोले को नोटिस करना होगा, साथ साथ आपको अर्ध गोली कोस को पढ़ना होगा, समझना होगा। एक एक का हम पॉइंट समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम ठोस की बात करेंगे और ठोस के इन दोनों पॉइंट्स को नोटिस करेंगे, इसके बाद हम लोग खोखले की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले नोटिस करते हैं अबाउट द सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले देखिएगा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में कंप्लीट गोला हम लोग यहाँ पे नोटिस करने जा रहे हैं, तो केवल गोले की बात हम लोग करते हैं। अगर हम पूरे गोले की बात कर रहे हैं तो गोला कुछ इस प्रकार से बना, हमने आपको बताया कि गेंद की आकृति का होता है, जिस प्रकार से गेंद होती है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, सेंटर से सरफेस की नोटिस अगर पॉइंट को किया जाए तो इसकी त्रिज्या होती है। आपको पता है कि सेंटर से चाहे यहाँ मीट कराए, चाहे यहाँ मीट कराए, चाहे यहाँ मीट कराए, चाहे यहाँ मीट कराए, कहीं भी मीट कराए तो पूरी तरह से वो त्रिज्या ही कहलाती है, उसको हम रेडियस कहते हैं या हम उसको त्रिज्या कहते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया है, क्योंकि एक अर्धवृत्तीय परिधि थी, एक अर्धवृत्तीय सरफेस था, उसको लेकर के चारों तरफ ऐसे घुमाया गया है, तो एक सरफेस का निर्माण हुआ है। आपने एक चीज और नोटिस किया है, यह फ्लैट नहीं बढ़ा है, ऐसे सीधा जैसे सिलेंडर होता था उस तरह से नहीं बढ़ा है, एक कर्बिकल सरफेस ऐसे मूव करी है, एक कर्बिकल सरफेस ऐसे मूव करी है। जबकि इधर भी देखा जाए तो एक कर्बिकल सरफेस ऐसे मूव करी, एक कर्बिकल सरफेस ऐसे मूव करी है। तो याद करिए जब आप बेलन पढ़ते थे तो मैंने कहा था बेलन जो होता था कुछ इस प्रकार से बनता था। अब बेलन से जैसे ही चीजें आपकी शंकु बन गई, बेलन से जैसे ही आपकी चीजें शंकु बन गई तो एक तिहाई पार्ट हमने काट दिया था, शंकु बनने में एक तिहाई पार्ट काट दिया था। जब हम इसके आयतन की बात करेंगे, जब इसके आयतन की बात करेंगे, आयतन मतलब पूरी कैपेसिटी की बात करेंगे, अगर हमने सॉलिड ले रखा है तो हम कितने मटेरियल का प्रयोग करने जा रहे हैं, कितने लेदर का प्रयोग करने जा रहे हैं, वही आयतन है, मतलब क्या मटेरियल आप प्रयोग में करने जा रहे हैं वही आयतन है। और आयतन को हम वॉल्यूम या बी से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया जैसे सिलेंडर एक प्लेन सरफेस था तो हमने क्या कर रखा था, उसका एक तिहाई बना दिया, तो इसमें भी एक तिहाई बना देना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान देना, तो इसमें पूरी तरह से लैटरली कट गया था, यहाँ पे लैटरली नहीं कट के कर्बिकली कट रहा है, मतलब ऊपर का सरफेस इधर
चाहे नोटिस करिए चाहे इसके बिहाइंड नोटिस करिए, दोनों तरफ अगर नोटिस किया तो दो उधर हैं दो इधर हैं, मिलकर के चार, मतलब कुल मिला के 4/3। और आपको पता है कि जब किसी का भी आयतन निकाला जाता है तो आयतन का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आधार कुछ है नहीं, बट हम नोटिस कर रहे थे कि जो अंदर वृत्त है वही आधार है, मतलब रियलाइज कर रहे थे जो वृत्त है वही आधार है। और वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे वही त्रिज्या ही ऊंचाई होगी, मतलब जो रेडियस आपने नोटिस किया वही ऊंचाई होगी। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका आयतन हुआ वो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, यही इस गोले का या सॉलिड स्पीयर का आपका आयतन बनकर आया 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन बनकर आया। अब आप एक चीज बताइए कि अगर हम इसको कहें कि सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया मतलब अगर हमें उस गोली गोले पर, उस सॉलिड गोले पर अगर मान लीजिए कोई पेंटिंग करानी है या बाहर कोई स्टीकर लगवाना है तो उसका कास्ट अगर मुझे पता करना है तो मुझे सरफेस एरिया की जरूरत होती है, क्योंकि ये लेदर की बॉल है या सॉलिड स्पीयर है। तो आपको पता है कि आप अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो अंदर कोई काम नहीं कर सकते, बाहर ही बाहर हमें जो काम करना है, चाहे पेंटिंग करानी है चाहे पेस्टिंग करानी है, कुछ भी कराना है तो आप बाहर ही कराएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपसे इसमें इसके सरफेस एरिया मतलब सतह के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो सतह का क्षेत्रफल इसका सब एक ही होता है, चाहे सी एस ए कोई बोले चाहे टी एस ए कोई बोले, सबका मतलब एक ही होता है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई कहे चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई कहे, सबका मतलब एक ही होता है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दो इधर दो उधर दो नीचे उस साइड का बगल मिला के चार बनकर आते हैं, मतलब चार वृत्तीय सर्फेसिस को जोड़ा जाता है तब जाकर के इसका सर्फेस पूरी तरह से हमें प्लान होता है। आपको पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने चार पहले से नोटिस करा रखा है, इसलिए यहाँ पे उसका जो सर्फेस एरिया बनेगा वो 4πr² बनेगा। और इससे हम लोग इसके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो सतह का क्षेत्रफल 4πr² हो गया, आयतन आपका 4/3πr³ हो गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हमसे कहा गया कि एक गेंद है, गोली गोलाकार गेंद है, या आपको समझ रहे हैं उसकी जो त्रिज्या है, जो उसकी त्रिज्या है अगर वो 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका आयतन क्या होगा। हम उसमें अभी ये बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि आयतन क्या होगा, तो हम आयतन तुरंत कहेंगे 4/3πr³, r मतलब 7³। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7। अब आपको पता है कि एक साथ कन्फर्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन ही आपका पूरे गोले का आयतन होगा, पूरे गोले का आयतन होगा। अब अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर³ गोले को बनाने के लिए कुछ ग्राम लेदर की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए 70 ग्राम लेदर की जरूरत पड़ती है, तो पूरे इस तरह के गेंद को बनाने के लिए कितने ग्राम लेदर की आवश्यकता पड़ेगी या कितने ग्राम लेदर की आवश्यकता पड़ेगी, तो पूरे को हम 70 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर³ का वेट अगर कुछ दिया है सपोज करिए 70 ग्राम, तो पूरे का पता करने के लिए 70 को हमने यहाँ पे इसके आयतन के साथ गुणा कर दिया, तो हमें इतने लेदर की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम इस गोला को, इस गेंद को हम बना रहे हैं तो मतलब आपको इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे फेस करने को मिल सकते हैं कि त्रिज्या दी गई है तो उससे हमें आयतन पूछा डायरेक्टली, या आयतन से संबंधित कोई और इंफॉर्मेशन आपको दिया हो और उस इंफॉर्मेशन को पूछा गया हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं। अब यहां पे केवल इतना ही नहीं बता सकते, इतने ही प्रश्न आपके सामने नहीं बनकर आते हैं, प्रश्न आपके और भी बनकर आते हैं, कैसे आते हैं उसको नोटिस करने की समझिएगा। आपसे सतह का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, आपसे सतह का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, और सतह का क्षेत्रफल देखिए कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो सतह का क्षेत्रफल भी हमने कहा कि चाहे इसमें आपको चाहे वक्र पृष्ठ का पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ का पूछे, चाहे आपसे हमने बोला ना कि सतह के क्षेत्रफल की आवश्यकता है क्या, सतह के क्षेत्रफल की आवश्यकता है कि आप सतह पे कोई काम कराना चाहते हैं, सतह पे कोई काम अगर हम कराना चाहते हैं तो वही सतह का क्षेत्रफल होता है। तो आपको जो है अगर इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम लोग उसको ऐसे नोटिस कर सकेंगे। देखिएगा ध्यान से सब लोग कि सतह का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो हम लिखेंगे 4πr² 4πr² जो हमारे पास फार्मूला उसको अप्लाई कर लेंगे, 4 × 22/7 × 7 × 7 कर देंगे तो 1 7 7 से कटेगा, आप इसका गुणा करेंगे 4 × 7, या जनरली यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पाई में आंसर आते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बेसिक तौर पर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का बनता है तो जनरल फार्मूले से उसका आंसर हम लोग तुरंत दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हेमिस्फीयर पे,
हेमिस्फीयर को हम लोग कहेंगे अर्धगोला, क्योंकि आपने पढ़ा भी गोला जनरल और अब हम लोग इसका हेमिस्फीयर पढ़ने जा रहे हैं। अब आप हेमिस्फीयर ऐसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक इस प्रकार का एक पत्थर का बना होता है टीला टाइप का, तो और उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे देखिएगा। लोग उस पर जाकर के ऊपर बैठ भी जाते हैं जरूरत पड़ने पर, आप इस प्रकार से इसको नोटिस कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। ऊपर देखिए सतह है, ऊपर एक वृत्तीय सतह है। जैसे आप कभी वो देखिए तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें तबले का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें आप देखिए तो ऊपर का स्पेस सतह रहती है, वो खोखला होता है। फिलहाल हम सॉलिड की उसी को सॉलिड फिगर में नाम दे दीजिए, तो आप ऊपर देखेंगे तो एक सतह सर्कुलर बनी होती है, नीचे इस तरह से यहाँ पे शेप में बनाया जाता है, ऐसे शेप में उठाया जाता है और ऊपर एक सर्कुलर बेस दे दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है। एक सर्कुलर बेस दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक सतह हमारे पास वृत्ताकार बनी, इसकी त्रिज्या सेंटर यहाँ होगी तो त्रिज्या ये हो जाएगी। और अगर हम लोग इसकी बात करें, अब आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि त्रिज्या भले यहाँ छोटी लग रही, ये भी आपकी आ रही होगी। अगर हम इसको कह रहे हैं अर्धगोला तो इसके आयतन की बात अगर हम करेंगे तो आयतन इसका सिंपली पूरे आयतन का हाफ हो जाएगा। तो पूरा आयतन आपका कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। अगर इसका आयतन हो गया तो हम आपसे कहें सरफेस एरिया क्या होगा। अब सरफेस एरिया इसमें देख लीजिएगा आप लोग, सरफेस एरिया दो प्रकार का बनकर आएगा। एक तो इसमें CSA बनकर आएगा, क्योंकि पिछले वाले फिगर में आप देखे थे आपके पास कोई आधार नहीं था। CSA मतलब कर्ड सरफेस एरिया और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे देखिए तबले पे, तबले को जहां पे बजाया जाता है उसको अगर छोड़ करके अगर हम पूरे सरफेस पे कोई कपड़ा लगवाना चाहते हैं या कुछ और काम करवाना चाहते हैं तो उसको हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे काम कर रहे हैं। मतलब वहां पे हमारे पास, आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे काम कर रहे हैं। जब हम लोग तबले के ऊपर के सेक्शन को छोड़ दें, सर्कुलर सरफेस को छोड़ दें, बाकी के सरफेस पे हम कोई काम करवाएं तो उसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे सिंपली आप समझिएगा, मैंने आपको बता रखा था कि 2πr² बनकर, पूरे का होता है 4πr² आपने देखा था, केवल और केवल 2πr² आपके सामने बनकर आएगा, 2πr² जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब हमसे TSA पूछा जाएगा, क्योंकि आपने बीच में से काट दिया गेंद, सोचिए लो इधर की बीच से कर दीजिए, काट दीजिए, तो गेंद ऐसे तो रखी जा सकती है, चाहे ऐसे रखिए चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी तो गेंद को बाउंड्री पे या हम लोग यहाँ पे मैदान में अगर काट करके रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं ना। तो सेम चीज है, चाहे इसको इस तरह से बनाएं चाहे इसको इस तरह से बनाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। गेंद को बीच से एकदम ब्लेड से काट दीजिए पैरेलल, और उसको काट करके चाहे इस टाइप से रखिए चाहे ऐसे रखिए, आप दोनों तरफ से उसको नोटिस कर सकते हैं। तो हमने जो कर्व की बात करी तो 2πr² हुआ। जो सतह की बात है, जो हमारे पास सर्कुलर बना है, वो आपका πr² है। तो अगर हम πr² इसमें जोड़ देंगे तो 3πr² यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारे पास πr² था, जिसको मैंने CSA में जोड़ दिया। मैंने शुरुआत में भी आपको ये चीजें बताई थी कि TSA हमेशा कर्ड सरफेस एरिया को सतह के क्षेत्रफल से जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब आप 2πr² में जब πr² जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे TSA प्राप्त होगा, टोटल सरफेस एरिया प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर का कांसेप्ट हो गया, जिसमें आपको उसका आयतन समझ में आया, उसके सरफेसेस एरिया समझ में आया, दो प्रकार से होते हैं, इसको आप लोगों को नोट करना है, समझना है। चल, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो गया। अब सॉलिड स्फीयर के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के बारे में मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको। होलो का मतलब होता है खोखला गोला। अब आप खोखले गोले की बात अगर करिए तो खोखला गोला आपके सामने क्या हो सकता है बताइए। खोखला गोला आपका दो प्रकार का बना, जैसे जनरली आप लोग समझ रहे थे कि आपने कहा गेंद है कैनवस, या आप कुछ ऐसे टाइप का कोई भी, जैसे हमने कहा बॉल, आप कोई भी नोटिस करिए, ऐसे कोई भी आप गोली कोस यहाँ पे नोट कर सकते हैं, गोला नोट कर सकते हैं जिसके अंदर बीच में हवा है, स्पेस है, उसी को हम यहाँ पे खोखला गोला कह रहे हैं। एक तो कंप्लीट यहाँ पे देखें तो कंप्लीट स्फीयर अगर बात हम करें यहाँ पे, जैसे स्फीयर ही नोटिस करिए, एक तो स्फीयर इसका बना बेसिक गोला, एक इसका बनेगा हेमिस्फीयर। क्या बनेगा? हेमिस्फीयर। अब इसको हम गोला कहेंगे, याद समझ में रखना कि गोला मतलब हम यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे खोखले गोले की बात कर रहे हैं, और इसको हम हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलीय सेल कहेंगे, अर्धगोली कोस कहेंगे इसको, अर्धगोलीय कोस कहेंगे। चलिए दोनों को नोटिस करिए, समझिएगा अर्धगोली कोस क्या है और आपका कंप्लीट गोला क्या है और कैसे इसको नोटिस करा जाता है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा है कि गोला है, ये गोला है। अब आपको क्योंकि पता है, जैसे अगर आप लेदर की बॉल को छोड़ करके जब कैनवस बॉल को नोटिस करिए, फुटबॉल को सोचिए, फुटबॉल के अंदर हम पहुंचे, अंदर जाके सेंटर पे बैठे और सेंटर से हम जाकर के उसके आंतरिक बाउंड्री को टच कराएं,
आंतरिक बाउंड्री को टच कराएं तो हमें एक लेंथ समझ में आएगी, एक लेंथ जो होगी वो आपकी रेडियस होगी। इन केस अगर आपने सोचा कि हम आंतरिक बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर की बाउंड्री को छू लें तो हमारे पास बड़ी त्रिज्या उसकी बनकर आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो जो डिफरेंस बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या के बीच की है वही उस गोले की मोटाई है, मतलब जिस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, जिस धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु की मोटाई है। अब आप ऐसे समझिए कि इसका सेंटर था, ये इसकी इंटरनल बाउंड्री थी। अब हमने ऐसे थोड़ा सा स्पेस को और बढ़ा करके यहाँ पे एक इस टाइप का यहाँ पे बाहर सरफेस नाम दे दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसको पहले गेंद की आकृति दी जाए तो कुछ इस प्रकार से गेंद की आकृति बनी, ये देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे बनाया है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया लेकिन आप लोग को ध्यान देना होगा, समझ में आ जाएगा। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी। अब आपको नोटिस करना, देखिए आपका जो आपका मटेरियल प्रयोग हुआ है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, इसको नोटिस करने की समझने की जरूरत है। मटेरियल आपका देखिए, एक तो पहली चीज ये पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस मटेरियल इसमें लगा है, इस पूरे सरफेस में मटेरियल लगा है, ये देखिएगा इस पूरे सरफेस में मटेरियल लगा है। अब आपको गैप दिख गया होगा, गैप कहां पे है, तो गैप आपको दिखा होगा, इसकी इंटरनल रेडियस ये आंतरिक त्रिज्या है, ये आपकी यहां से यहां तक जो है इसकी कैपिटल रेडियस है, मतलब बड़ी त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है। मतलब जब आप सेंटर पे थे, सेंटर से आप अंदर झुकते देखते थे तो आपकी जो त्रिज्या आई वो आंतरिक त्रिज्या कहलाई, आंतरिक त्रिज्या कहलाई। जबकि आप इसकी बात किए तो ये आपकी बाह्य त्रिज्या कहलाई, ये आपकी बाह्य त्रिज्या कहलाई। और जो उस मटेरियल की धातु की जो मोटाई है, जिसको हम एच कह रहे हैं या बिड्थ कह रहे हैं, धातु की जो मोटाई है वो आर माइनस आर होगी, जो यहां से यहां तक होगी, आर मतलब माइनस आर, ये आपकी धातु की मोटाई होगी। अब यहां पे अगर हमसे कोई पूछे कि इसका आयतन क्या है, हमसे कोई पूछे इसका आयतन क्या है, तो आयतन आपको याद रखना है, जनरल आयतन क्या होता था, 4/3 πr³, 4/3 πr³। पाई आर, अब आप एक बात बताइए, यहां पे हमारे पास जो सरफेस बन रहा है वो एक तरह का रिंग बन रहा है, आपने नोटिस किया होगा रिंग बनना, रिंग मतलब छल्ला। पाई हमने बताया था कैपिटल आर स्क्वायर, जब आपने वृत्त पढ़ा था तो आपको ये चीज बताई गई थी कि आपके पास इस टाइप का सरफेस अगर कभी बने तो इसको हम रिंग कहते हैं, इसमें स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस दोनों होती है, तो इस पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है यही तो सतह मानी जाएगी बीच की ना, जिसको हम कहते थे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4/3 πr, आयतन बराबर 4/3 πr कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब आप समझ सकते हैं कि आर क्यूब क्यों अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि जब त्रिज्या फाइंड करते तो ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम यहां पे 4/3 πr कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 πr स्मॉल आर क्यूब यहां पे सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हमें इस मटेरियल का आयतन ज्ञात होगा, मटेरियल का अमाउंट पता चलेगा कितना मटेरियल लगा है। तो आपसे कोई पूछे कि मटेरियल कितना लगा है, तो वही मटेरियल का आयतन इस खोखले गोले का आयतन कहलाएगा, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 4/3 πr कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपके मटेरियल का आयतन हो गया, मतलब आयतन हो गया। आयतन के बाद इसमें सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया देखिए कैसे बना, एक तो आपका इंटरनल बनेगा, एक क्या बनेगा इंटरनल, मतलब जब आप गोले के अंदर हैं, जब आप रियलाइज करिए जब आप गेंद के अंदर हैं, अंदर अंदर मुझे सरफेस पे अगर कुछ काम करवाना पड़ गया तो अंदर अंदर सरफेस पे काम करवाने के लिए आपको आंतरिक त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, जो हो जाएगी 4πr2। अगर मुझे बाहर निकल करके कोई काम कराना हो तो उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे, बाह्य त्रिज्या कहेंगे, और बाह्य त्रिज्या आपकी हो जाएगी 4πR2। कोई कह दे मुझे टोटल कराना है, मतलब पूरे का कराना है, कोई आधार तो है नहीं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ दीजिए, 4π कॉमन कर लीजिए, R² + R² हो जाएगा। मतलब आप इसको सोच सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आंतरिक और बाह्य दोनों को जोड़ दीजिए तो आपकी टोटल सरफेस एरिया यहां पे फिलहाल इतना समझे रहिए कि बेस नहीं है, आधार नहीं है इसका कोई, लेकिन आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को जोड़ दें तो वही आपकी क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी, वही आपकी पूरे गोले की क्या निकल जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगी। बात करते हैं गोली कोष की। गोली कोष मतलब जैसे ऐसा हौज देखिए जिसमें जानवर लोग खाना खाते हैं, उनका जो चारा होता है उसको खाते हैं, तो हौज ही गोला है, हर्द गोला है, जिसको हम गोली कोष कहते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं। आपको मैंने तबले वाला जो सिस्टम बताया उसमें भी आप उस लेयर को ऊपर का हटा दीजिए तो वो आपका जो है अर्ध गोला है, क्योंकि बीच में इसमें स्पेस होता है। आपका इस प्रकार से बना, ये देखिए इसके सेंटर है, इसकी त्रिज्या है, ऐसे फिर से इसको हम बढ़ा देते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, और इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं।
अब देखिए ए इसकी स्मॉल रेडियस होगी, ए इसकी कैपिटल रेडियस होगी कैपिटल आर। यहाँ पे सरफेस आपको देख सकते हैं मटेरियल लगने वाला स्पेस है, यहाँ 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 मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ मटेरियल लगा हुआ है। अब चाहे इसको पलट कर रख दीजिए तो मतलब एक ही है, बात एक ही है, तो इसी को हम लोग अर्धगोला कह रहे हैं। अब इसको अगर आप अर्धगोला कह रहे हैं तो अर्धगोले में आप रियलाइज कर सकते हैं कि अगर हम बीच में कहीं सेंटर, ऐसे देखिए ऊपर सर्कुलर सरफेस है, यहां सेंटर है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं यहां से आप आंतरिक बाउंड्री को टच करेंगे तो स्मॉल रेडियस आएगी, बाह्य बाउंड्री को टच करेंगे तो आपको कैपिटल रेडियस नजर आएगी। आप एक खोखले गोले को, जैसे कि आप कैनवस की बाल को बीच से काट दीजिए एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, काट देंगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा उस मटेरियल की भी अपनी एक विड्थ आपको ऊपर की तरफ समझ में आएगी, नजर आएगी। वही बाउंड्री की सरफेस होगी, वो आपकी बाउंड्री की सरफेस होगी और पूरे मटेरियल को हम लोग यहाँ पे आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से नोटिस कर सकते हैं। जब बात इसके बालूम की आएगी, आयतन की, तो आयतन यहाँ पे सिंपली जो इसका आयतन होता था उसका आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस इसका आधा कर दिया तो मतलब 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो गया। सरफेस एरिया की बात करिए तो सरफेस एरिया देखिए, एक तो दो सरफेस एरिया इसमें बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें एक आधार कट जाता है, जब ऊपर की तरफ आधार कट गया तो सरफेस एरिया आपके सीएसए भी बनेगा और टीएसए भी बनेगा, मतलब कर्ड सरफेस एरिया बनेगा। और जैसे हमने कहा ना, हौज के ऊपर ऊपर कोई काम कराना, देखिए आप जानवरों के जो चारे खाने के लिए बनता है हौज, उसमें लोग अंदर से भी कुछ लोग पेंट करवा देते हैं, कुछ लगवा देते हैं, बाहर भी कुछ लोग लगवा देते हैं, अंदर करवा दिया बाहर करवा दिया तो काम तो कर्ड पे हुआ ना, तो कर्ड के बाद उसकी जो दीवाल है ऊपर ऊपर आप लेयर पे समझिए, तो उसको भी जब नोटिस करेंगे तब पूरे सतह की बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों चीज सोचा जाएगा, एक आंतरिक भी सोचा जाएगा और बाह्य भी सोचा जाएगा। जो आंतरिक बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, आंतरिक जो बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2π स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवल अर्ध गोला है, पूरा गोला नहीं है, और ये बनेगा 2π कैपिटल आर स्क्वायर, 2π कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपका 2π स्मॉल आर स्क्वायर आंतरिक हो गया, बाह्य आपका 2π कैपिटल आर स्क्वायर। अब आपको जब हमसे बात करनी है टीएसए की, मतलब टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में सीएसए जुड़ेगा साथ साथ बेस एरिया जुड़ेगा, सीएसए प्लस बेस एरिया। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस ए वाला रिंग है, बेस क्या है, ए वाला रिंग है जिसका क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो आप पहली चीज तो सीएसए लाइए, देखिए मैं इसका कैलकुलेशन यहां कर दे रहा हूं, लिखिएगा 2π स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2π कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसको लाइए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पूरा ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2π स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2π कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये मिलकर के 3π कैपिटल आर स्क्वायर होगा प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2π आर स्क्वायर से 2π आर स्मॉल आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा बन के आ रहा है वो 3π कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बनकर आ रहा है 3π कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके अर्धगोली कोष का सरफेस एरिया, संपूर्ण संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल और कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो फार्मूले आपके सारे के सारे इन फिगर से रिलेटेड जो कंडीशंस हो सकती सबकी बता दी गई, इस पे एक प्रश्नों की श्रृंखला हम बनाएंगे और उस प्रश्नों की श्रृंखला को आप करके इसका कमांड अपने इसका अच्छे से कमांड आप लोग कर सकते हैं। तो पहला काम आप करिए कि इसका पूरा एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारे फार्मूले फिगर के साथ बना लीजिए, समझ लीजिए, समझने के बाद आप लोग जो है इस पे प्रैक्टिस पे आएंगे तो हम लोग प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ इसका प्रैक्टिस अच्छे से करवा देंगे। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।